दोस्तों, कोलकाता डॉक्टर केस में अदालत में दरिंदे संजय राय के बयान से साफ हो गया है कि कोलकाता अस्पताल कांड में एक से ज्यादा लोग शामिल थे। दरिंदे संजय ने गलती से एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे साफ हो गया है कि इस कांड में वह अकेले नहीं था। अब सीबीआई का शक हकीकत में बदलने लगा है। 10 दिन बाद अब यह साफ होने लगा है कि महिला के साथ दरिंदों में तकरीबन 7 से 10 लोग शामिल थे। एक भयंकर खुलासे में बताया गया कि करीब 7 से 10 लोगों ने शराब पी, फिर उन्होंने पीड़िता के हाथ कसकर पकड़े, उसे मारा पीटा और उसके साथ भयंकर कांड किया। खुलासे में यह भी दावा किया गया कि उन 7 लोगों में से 2 ने महिला के टांग पकड़कर जरासंध की तरह अलग कर दिया, फिर संजय को बुलाया, लेकिन यह तो कुछ भी नहीं आगे। ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं। इसके बाद यह साफ हो गया है कि यह काम अकेले संजय का नहीं था, बल्कि इसमें कई लोग शामिल हैं। अब प्रिंसिपल समेत 7 लोगों का बचाना नामुमकिन है। सब कुछ जानेंगे विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। दोस्तों, यह काम आपके लिए 1 सेकंड का है, लेकिन इससे हमारी काफी मदद होती है। दरअसल अदालत में दरिंदे संजय ने वह कबूल कर लिया है जिसके इंतजार में पूरा भारत मुंह लटकाए खड़ा था। पूरे भारत को यह पता था कि यह काम एक बंदे का नहीं है। यह संदेश अब हकीकत में बदलता दिख रहा है कि इस कांड में कोई एक नहीं बल्कि तकरीबन 7 लोग शामिल हैं और यह पूरी तरह से प्लान मर्डर है। इसी कारण सीआई फुल एक्शन में है और कोलकाता के मर्डर केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है। उधर सीबीआई के अनुसार बिना दरवाजे वाले सेमिनार हॉल में कांड हुआ और किसी को चीख सुनाई क्यों नहीं दी। अब सीबीआई यह जानने की कोशिश कर रही है कि अपराध को बिना किसी बाधा के कैसे अंजाम दिया गया। क्या कोई व्यक्ति हॉल के बाहर निगरानी कर रहा था? सीबीआई यह भी देख रही है कि सेमिनार हॉल से कोई चीख या शोर नहीं सुनाई दिया। इन सभी तथ्यों से यही साफ होता है कि महिला के साथ दरिंदगी सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि कहीं और की गई थी। उन्हें किसी और रूम में जमकर मारा पीटा गया था और फिर हत्या के बाद उन्हें सेमिनार हॉल में लाकर रख दिया गया, जिसके बाद उनके शव को दरिंदे संजय के हवाले कर दिया गया। लेकिन अब संजय ने जो बयान दिया है उससे साफ हो रहा है कि वह अकेले नहीं था बल्कि इसमें कई लोग शामिल थे। अदालत में दिए गए संजय के बयान को तो जानेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे भयंकर खुलासे को देखते हैं जिसमें 7 लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया गया है कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई महिला डॉक्टर की हत्या संजय रॉय ने नहीं बल्कि अस्पताल के 7 ट्रेनी डॉक्टरों ने की थी। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, फिर मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। इस पोस्ट में कहा गया है कि इन ट्रेनी डॉक्टरों ने पहले महिला के साथ कांड किया और फिर उसकी टांगों को बेरहमी से चीर दिया, जैसे महाभारत में जरासंध का किया गया था। जरासंध को मारने का एकमात्र तरीका यह था कि उसे बीच से चीरकर 2 भागों में विभाजित किया जाए और फिर उन हिस्सों को अलग अलग दिशा में फेंक दिया जाए ताकि वे फिर से जुड़ ना सके। भीम ने इसी तरीके से जरासंध का वध किया था। एक्टिविस्ट मधु किश्वर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बताया कि अस्पताल में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर और उसकी दोस्त के बीच हुई फोन कॉल बातचीत में यह दावा किया गया है। उन्होंने इस बातचीत का ऑडियो भी शेयर किया जो बंगाली में है। माना जा रहा है कि सीबीआई को इस ऑडियो कॉल से कई गंभीर सुराग मिल सकते हैं। मधु किश्वर के अनुसार इस बातचीत में कहा गया है कि महिला एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट थी, लेकिन उसे अस्पताल और प्रिंसिपल के कुछ बेहद भयानक राज पता थे, जिसके कारण उसे धमकियां दी जा रही थीं कि उसे अपनी थीसिस पूरी नहीं करने दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी महिला डरने वाली नहीं थी। उसने इसका विरोध किया और कहा कि अगर उसे परेशान किया गया तो वह अस्पताल की काली करतूतों को उजागर कर देगी, जिसके बाद पिछले 6 महीनों से उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। उसे बिना रुके 36 घंटे की नाइट शिफ्ट पर रखा जा रहा था और उस पर भारी काम का प्रेशर डाला जा रहा था। चेस डिपार्टमेंट के हेड सीनियर पीजीटी और अन्य लोग भी इस बात से वाकिफ थे कि प्रिंसिपल और उनके ग्रुप नेक्सस का इस स्टूडेंट पर कितना दबाव था। इस बात से साफ है कि प्रिंसिपल समेत
पूरा अस्पताल उस महिला के खिलाफ खड़ा हो गया था, क्योंकि वह सच और न्याय के लिए झुकने को तैयार नहीं थी। इस सब के बावजूद वह लड़की अपने स्टैंड पर अडिग थी। 9 अगस्त 2024 की रात इन सभी ने मिलकर उसके खिलाफ साजिश रची। पोस्ट में बताया गया कि रेप और मर्डर पहले से प्लान किया गया था। यह अब तक का सबसे खौफनाक खुलासा है और सीबीआई इसी के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। बातचीत में यह भी कहा गया कि पहले कई पीजीटी और सीनियर डॉक्टर्स सेमिनार रूम में आराम करते थे, लेकिन उस रात पीड़िता को अकेले वहां सोने के लिए कहा गया। कुछ स्टूडेंट्स ने अफवाह फैला दी कि कमरा निर्माणाधीन है और वहां कोई नहीं जा सकता, जिसके बाद उस सेमिनार हॉल में किसी की जाने की हिम्मत नहीं हुई। फोन पर बात कर रही अस्पताल के डॉक्टर ने दावा किया कि घटना से पहले 4 साथी स्टूडेंट्स ने पीड़िता के साथ सेमिनार रूम में डिनर किया था, जिसमें एक लड़की भी शामिल थी। यह चारों सीबीआई के रडार पर हैं और इनकी पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराई जा रही है, लेकिन इसके बाद पीड़िता को सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए कहा गया। बातचीत में यह भी बताया गया कि करीब 7 लोगों का एक ग्रुप नीचे गया और शराब पी, फिर उन्होंने पीड़िता के हाथ कसकर पकड़े, उसे मारा पीटा और उसके साथ कांड किया। इस वारदात में एक महिला इंटर्न ने भी मदद की। खुलासे में यह भी दावा किया गया कि उनमें से 2 ने पीड़िता के पैर पकड़कर जरासंध की तरह अलग कर दिया, जिससे उसकी पेल्विक की हड्डियां टूट गईं। उन्होंने उसकी कॉलर बोन को भी तोड़ दिया और फिर उसे उल्टा लिटाकर उसके ऊपर जूतों से रौंदा। उसके सिर को इतनी बुरी तरह कुचला गया कि उसकी खोपड़ी फट गई। इस तरह से 9 अगस्त की देर रात कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। देखिए, अगर यह सभी बात सच है तो फिर सीबीआई को इन 7 लोगों के खिलाफ सबूत जरूर मिलेगी और संजय के साथ इन 7ों को भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद जब यह सभी लोग वारदात को अंजाम देकर सीढ़ियों से नीचे उतरे तो संजय रॉय को देखा, जो ग्रुप डी के दूसरे कर्मचारियों के साथ शराब पी रहा था। इन डॉक्टरों ने संजय से कहा कि सेमिनार रूम में जाओ, वहां तुम्हारे लिए एक लड़की है। इसके बाद संजय ने बिना कपड़े के शव के साथ कांड किया ताकि उसका वीर्य पीड़िता की योनि में मिल सके। सुबह पीड़िता का अर्ध नग्न शव मिला था। इसके बाद देश भर के डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। माना जा रहा है कि सीबीआई ने भी 7 लोगों को रडार पर लिया हुआ है। कोलकाता के रेप मर्डर केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है। मुख्य आरोपी संजय रॉय का टेस्ट जेल में ही हो रहा है। इसके अलावा सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समय 4 डॉक्टर जो वारदात की रात पीड़िता के साथ थे, इन सभी का पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई के कोलकाता ऑफिस में हो रहा है। 8 अगस्त की रात इन डॉक्टरों में से कुछ ने पीड़िता के साथ डिनर किया था। फिलहाल सीबीआई इन सभी से गहराई से पूछताछ कर रही है, लेकिन अदालत में आरोपी संजय ने एक बयान देकर सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल 23 अगस्त को सियालदह कोर्ट ने संजय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। इसी सुनवाई के दौरान संजय पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी तैयार हुआ था। मजिस्ट्रेट ने संजय से पूछा था कि वह पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए क्यों तैयार हुआ। इसे लेकर संजय ने कहा, पॉलीग्राफ टेस्ट से साबित होगा कि मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। संजय के इस बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि वह खुद को निर्दोष बता रहा है। इसका मतलब साफ है कि इस कांड में कई लोग शामिल हैं। इसी कारण सीबीआई फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। सीबीआई का मकसद इन कर्मचारियों के बयानों को जांचना है, क्योंकि बाकी मेडिकल रिपोर्ट्स जैसे पीड़िता के शरीर से लिए गए डीएनए, वजाइनल स्वपीएम ब्लड, उन्हें सीधे तौर पर घटना से जोड़ने में नाकाम रही है। सीबीआई जानना चाहती है कि क्या इन 4 डॉक्टरों ने सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ की थी, या फिर वे किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इधर उधर करने में प्रिंसिपल समेत यह सभी लोग बेहद माहिर थे। इस कारण सीबीआई इस घटना को कई एंगल से जांच कर रही है। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज लगातार 9वें दिन पूछताछ हो रही है। सीबीआई की टीम ने घोष से अब तक करीब 100 घंटे की पूछताछ कर ली है, लेकिन अब तक उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वह बार बार अपने बयान बदल रहा है। इससे साफ हो जाता है कि इस कांड में उसका बड़ा हाथ है।
सीबीआई अब तक ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में 73 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन सिर्फ 7 लोगों पर ही सीबीआई की नजर टिकी हुई है। सीबीआई यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या सेमिनार हॉल के बाहर कोई और व्यक्ति तैनात था। इसके लिए सीसीटीवी फुटेज की गहराई से जांच की जा रही है। अधिकारी यह भी देख रहे हैं कि जब घटना हुई तो सेमिनार हॉल के अंदर से कोई आवाज क्यों नहीं सुनाई दी। सीबीआई के अनुसार अस्पताल के सेमिनार हॉल के दरवाजे की चिटकनी कुछ दिनों से टूटी हुई थी और यह बात सबको पता थी। इसी कारण जब डॉक्टर रात 2 से 3 बजे के बीच हॉल में गई तो दरवाजा बंद नहीं कर पाई। एक ड्यूटी डॉक्टर ने उन्हें सोते हुए भी देखा था। अब सीबीआई यह जानने की कोशिश कर रही है कि अपराध को बिना किसी बाधा के कैसे अंजाम दिया गया। क्या कोई व्यक्ति हॉल के बाहर निगरानी कर रहा था? सीबीआई यह भी देख रही है कि सेमिनार हॉल से कोई चीख या शोर क्यों नहीं सुनाई दिया। आप इस तस्वीर को देखिए। इसी अस्पताल के दूसरे मंजिल पर सेमिनार हॉल में वारदात को अंजाम दिया गया था। अगर सेमिनार हॉल में दरवाजा नहीं था तो फिर महिला की चीख बाहर सड़क तक आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी कारण संदेह बढ़ता जा रहा है और इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। इस रिपोर्ट में अभी कई खुलासे हो रहे हैं, जिसे लेकर हम जल्द ही आपके सामने एक नई वीडियो लाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।